First of all, I would like to tell you that if you have still not subscribed to my channel, the upcoming videos will be very interesting. And if you are collecting, many people, they throw their collections of stamps worldwide, and these sort of stamps are purchased by the auction house, and many people, such as collectors, they purchase it and it is sold in millions of rupees or dollars. So it is very important for you to know the actual price of your collection, because if you are collecting the stamps, coins or currencies, if you don't know the proper value of your collection, there is no point of collecting it. So hence, if you have not till now subscribed to my channel, please hit the like and subscribe button so that you don't miss any of the important information और any of the interesting upcoming videos. इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइगर वाइल्ड लाइफ 15 पैसा इंडियन डेफिनेटिव स्टैम्प्स के बारे में. सो इस तरह का जो सीरीज़ था, ये लॉन्च किया गया था, डेफिनेटिव 5th सीरीज़, एग्रीकल्चर टूरिज्म एक्सपोर्ट प्रमोशन. और ये जो स्टैम्प है अशोक लायन कैपिटल वाटरमार्क के साथ इशू किए गए थे, और ये 15 पैसे के डेफिनेटिव सीरीज में इशू किए गए थे. इसका इशू थीम था टाइगर वाइल्ड एनिमल पैंथेरा टिग्रिस. इसके फ्रंट साइड में आप देख सकते हैं टाइगर की पोर्ट्रेट पिक्चर है. राइट साइड में ऊपर में भारत इंडिया हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड में 15 जो कि इसका 15 पैसे का डिनोमिनेशन है इसका इशू का, वो इसमें प्रिंट किया गया है. इसका इशू ईयर है 1975 का. इसकी करंट मार्केट प्राइस है अराउंड ₹150 और अबाउट $2. तो अगर आपके पास इस तरह का मिनट स्टैम्प है और आपके पास अगर इसको प्रॉपर आपको बायर नहीं मिल रहा है इसके लिए, तो आप मुझे आपका नाम और नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए. और क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंपनीज का कॉन्टैक्ट है हमारा, और काफ़ी ऑप्शंस में मैंने पार्ट लिया है, तो मेरे काफ़ी कॉन्टैक्ट है पॉइंट बायर्स के साथ. तो अगर कोई भी मेरे पास आप इस तरह का इंटरेस्ट दिखाता है आपके इसके लिए, तो मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगा. बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे अनवांटेड फ़ोन कॉल्स मत कीजिए मेरे नंबर पे, बिकॉज मैं ऐसे फ़ोन कॉल्स जब तक मेरे पास आपके लिए प्रॉपर बायर और सेलर नहीं है, तो मैं आपके फ़ोन कॉल्स एंटरटेन नहीं करूँगा. आप भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास रोज़ 1000 लोग कॉल करेंगे, तो मैं सबको फ़ोन नहीं करके एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ. सो अगर मुझे आप सिर्फ आपका आस्किंग प्राइस भेज दीजिए, और मेरे पास अगर मेरा जो बायर रहेगा उसका और आपका आस्किंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, बाइंग और सेलिंग प्राइस अगर मैच करेगा, तभी मैं आपको कांटेक्ट करूंगा और तभी मैं आपको कॉल करूंगा. हॉबी कलेक्शंस जो मैंने चालू किया है, उसमें अगर आपके पास इस तरह का एमएनएच स्टैम्प है, या आपके पास कोई रेयर कॉइन्स है या पुराने कॉइन्स है, या आपके पास पुराने करेंसीज है, तो अगर आप चाहें तो आप उसमें सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और मेरे नंबर दिए गए नंबर पर रजिस्टर करके आप उसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं. एक्सचेंज करने के लिए अगर आप मेरे सिटी में से रहते हैं, तो आप मुझे कॉल करेंगे, आप मुझे पहले अपना कलेक्शन सेंड करेंगे, मैं आपको अपना सेंड करूंगा. अगर हमारा कलेक्शन मैच करेगा, तो या मेरे किसी भी सेलर का या किसी भी एक्सचेंज कैंडिडेट का आपसे सिलेक्शन अगर आपका मैच करेगा, तब हम सेम सिटी में मिलके आपका एक्सचेंज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवाएंगे. या तो अगर आप कोई दूसरे सिटी में रहते हैं, तो या कभी मैं आपके सिटी में आता हूँ किसी काम से, या आप मेरे सिटी में आते हैं किसी काम से, तो मुझे आप कभी कॉल करके हम मीटिंग फिक्स करेंगे. इस तरह से हम अपना कलेक्शन एक्सचेंज कर सकते हैं. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हिट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और काइंडली हिट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.